तो हेलो फ्रेंड्स गाइस, वेलकम वंस अगेन, यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल फिनिट फैंटेसी क्रिकेट। इस वीडियो में मैं और आप मिलकर बात करेंगे। पहला T20 मैच खेला जाएगा, 3 मैच की T20 सीरीज़ का, इंग्लैंड वुमेंस श्रीलंका वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस के बीच में। तो सबसे पहले गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आज की टीम जो है ड्रीम 11 पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वुमेंस के मैचेस बहुत लो स्कोरिंग होते हैं और बॉलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और वुमेंस क्रिकेट में बॉलर्स को क्योंकि प्रॉफिट होता है तो ड्रीम 11 का जो पॉइंट सिस्टम है वो बॉलर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो उस हिसाब से मैं ड्रीम 11 में दे रहा हूँ, और जो आने वाले IPL के मैचेस हैं वो भी मैं बीच बीच में अपने हिसाब से, जो मुझे लगेगा कि इस मैच में मैं बॉलिंग के हिसाब से जा रहा हूँ तो वो मैं ड्रीम 11 में दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा बैटिंग के हिसाब से जा रहा हूँ तो प्लेयर स्पॉट या फिर माई टीम 11 में दूंगा। आज से मैं ड्रीम 11 में टीम दे रहा हूँ आपको। चलिए पहले तो गाइज प्लेइंग 11 की बात कर लूँ क्योंकि इस मैच में गाइज प्लेइंग 11 सेम नहीं होने वाली है। पहले बात करूँ मैं श्रीलंका से, तो श्रीलंका के लिए देखिए ओपनिंग करेंगे अट्टापट्टू, उसके बाद आएंगी संजीवनी, उसके बाद आएंगे कुलसूरिया, उसके बाद आएंगे हसीनी परेरा, फिर आएंगे शशिकला श्रीवर्धने, फिर आएंगे इमालका मेंडिस, डी सिल्वा, ओशाडी गाइज इन्होंने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी कही है, फिर आएंगे सुगंधिका कुमारी, इनोका रनवीरा जो पहले कप्तान थी, और हंसीमा करुणारत्ने। तो गाइज ये होने वाली T20 के प्लेइंग 11, और जो आप प्लेयर देख रहे हैं गाइज इसमें चेंजेस जो मैंने किए हैं उसका रीज़न ये है कि T20 में जो है श्रीलंका की टीम चेंज होती है थोड़ी बहुत, तो वही आपको हल्का पुल्का जैसे मेंडिस दिख रहे होंगे यहाँ पे चेंज है, और रनवीरा वापस आएंगे, तो T20 में स्क्वाड चेंज हो जाता है। बात करूँ मैं इंग्लैंड की, तो सेम यहाँ से ही है कि इंग्लैंड की टीम में भी थोड़े से आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ओपनिंग देखिए, सबसे पहले ओपनिंग की बात करूँ तो एलन एमी जोन्स जो है वो ओपनिंग नहीं करेंगे, डैनियल वैट ओपनिंग करेंगे टैमी बॉमोंट के साथ। एलन एमी जोन्स जो है वो T20 में ओपनिंग नहीं करती है, T20 में डैनियल वैट ओपनिंग करती है। पिछली जो सीरीज़ गई थी इंग्लैंड की इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ भी डैनियल वैट ने ओपनिंग करी थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी गाइज, लगातार हर T20 में रन बनाए थे। उसके बाद सेकंड ओपनर होंगे टैमी बेमोंट, फिर आएंगी एलन एमी जोन्स, फिर आएंगे हेदर नाइट, नेटाली स्कार्वियर, लॉरेन विनफील्ड। अगर कैथरीन बर्न पूरी तरह से फिट है, इनकी बैक इंजरी का इशू चल रहा था, तो कैथरीन बर्न खेलेंगी, फिर आएंगी लॉरेन मार्श, एना शब्सोल, केटी क्रॉस स्मिथ, और फिर जॉर्जी एलविस में से कोई एक खेलेगा। और एक चीज़ और हो सकती है गाइस, सोफिया एक्लिस्टोन जो कि लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर है उनको भी खिलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे एलेक्स हार्डली नहीं है, तो लॉरा मार्श की जगह खिलाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, हालांकि चांसेस बहुत कम है। चलिए गाइस अब बात कर लूँ मैं जो इस मैच में मैंने ड्रीम 11 की टीम बनाई है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं विकेट कीपिंग के सेक्शन की, तो गाइस विकेट कीपिंग के सेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, संजीवनी और एलन एमी जोन्स। तो मैं जोन्स के साथ इस मैच में नहीं जा रहा हूँ, देखिए दो कारण, एक तो 90% पब्लिक इनके साथ गई है पहली चीज़, दूसरा जो मेन कारण वो है ये नहीं है, मेन कारण ऑब्वियसली जोन्स जो है ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज है, संजीवनी इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करती है। कारण ये है कि एलन एमी जोन्स क्योंकि T20 में टॉप ऑर्डर में नहीं खेलती है, क्योंकि अगर ये 5-6 नंबर पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने गई तो फिर हमारे लिए ये एक बिल्कुल ख़राब ऑप्शन होगा, तो इसको देखते हुए मैं संजीवनी के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग यूनिट की बात करूँ तो गाइस टैमी बॉमोंट को रखा हुआ है, डैनियल वैट को रखा हुआ है, उसके बाद करुणारत्ने को रखा हुआ है, मैंने केवल 3 बल्लेबाजी रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से लॉरेन विनफील्ड नीचे खेलेंगे इनको मत लीजिएगा, हसीनी परेरा ने ODI सीरीज़ में अच्छा किया इसलिए आप इनको ऊपर देख रहे हैं, अदरवाइज इतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर की बात करूँ तो नेटाली स्कार्वियर, चमारी अट्टापट्टू और शशिकला श्रीवर्धने को रखा हुआ है, हेदर नाइट को आप ले सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप करें तो। बॉलिंग यूनिट से एना शब्सोल, इनोका रनवीरा, लॉरा मार्श और केटी क्रॉस को रखा हुआ है, बाकी अगर कैथरीन बर्ट खेल जाती हैं तो गाइस कैथरीन बर्ट को आप एंड पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं अगर वो प्लेइंग 11 में होंगी तो। चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो मैंने नेटाली को कैप्टन बनाया और चमारी अट्टापट्टू को गाइज इस टीम में मैंने वाइस कैप्टन की जगह दी है। तो गाइज ये मेरी टीम का प्रीव्यू है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप टैमी बेमोंट और डैनियल वैट इनमें से भी किसी को भी कैप्टन बनाए तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा T20 क्रिकेट में। और देखिए अगर श्रीलंका पहले खेलती है तो गाइज 4 बॉलर ज़रूर रखिएगा, चारों के चारों, ये जो मैंने टीम बनाई है ये कुछ इस हिसाब से बनाई है कि अगर श्रीलंका पहले खेलती है और कम से कम 130 रन से ऊपर का स्कोर बनाती है तो उसके हिसाब से ये टीम काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय एंड टेक केयर।